क्या आपको पहरागों चप्पल के विज्ञापन की याद है, जो व्यक्ति सरकारी विभागों में जाता रहता है, या क्या आपने पंकज कपूर की टीवी सीरीज ऑफिस ऑफिस देखी है? देखिए, हमारा देश दस्तावेजीकरण, अनुमोदन, पुराने नियम और औपचारिकताओं का देश है, और इसीलिए हमारे देश में हर प्रक्रिया जिसमें सरकार की हस्तक्षेप होती है वह अपने आप में एक महाभारत है। यही बात जांच एजेंसियों पर भी लागू होती है। जब वे किसी हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग या राजनेता के मामले में प्रवेश करते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा शामिल होता है, तो वे उन्हीं मुद्दों का सामना करते हैं जिनका सामना साधारण जनता को पुराने सरकारी कानूनों के साथ करना पड़ता है, और इस खामी से हर किसी को फायदा होता है जो लाल फीताशाही कहलाता है। लाल फीताशाही का मतलब है अनावश्यक नौकरशाही या नियमों, औपचारिकताओं और अनुमोदनों का अतिरिक्त पालन जो जांच को मंद करता है। जब कोई हाई प्रोफाइल केस सामने आता है तो इसमें RBI, ED, CBI, आयकर विभाग, GST विभाग, वित्तीय खुफिया इकाई, SFIO, गंभीर धोखाधड़ी जांच दफ्तर शामिल हैं। और जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी समस्या लालफीताशाही है, जिसमें देरी, दस्तावेजीकरण, कार्यालयीय यक्षता, क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं, सबसे महत्वपूर्ण मानक प्रक्रिया का अभाव, और कैसे ये एजेंसियां एक दूसरे के साथ काम करती हैं,